नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 10 विधानसभा सीटों में से ऐसी कई सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सालों में विधानसभा का चुनाव ही नहीं जीत पाई। यूं कहें 2017 में प्रचंड लहर के बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पाई। तो अब यहां पर जब सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर, जैसा कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर कि जहां पर मुस्लिम बीएलओ हैं उन बीएलओ को बदल करके वहां पर गैर मुस्लिम बीएलओ को ला दिया जा रहा है। बीएलओ का काम क्या होता है? किसी का नाम जुड़वाना हो, किसी का नाम कटवाना हो, और उसके अलावा जो पर्ची आती है विधानसभा के चुनाव के लिए, बीएलओ का काम होता है कि घर घर पहुंचाएं, यानी कि बीएलओ की यहां पर बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इस भूमिका को लेकर के समाजवादी पार्टी इस समय चली गई है निर्वाचन आयोग के पास, जहां पर उन्होंने लिस्ट सौंपी है, जिस लिस्ट को मैं आपको बताने वाला हूं और आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी अपनी राय क्या है, सब्सक्राइब करिएगा या ना करिएगा, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। इन्होंने लिखा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी जनपद कानपुर में उपचुनाव वाले क्षेत्र 213 सीसामऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम बीएलओ को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ को नियुक्त किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जो नियुक्त कर रहा है अधिकारी उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, उसको दंडित किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाए, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है। इसमें क्या है, जैसे मैं आपको एक एक बताता हूँ, नाम पढ़ के बताता हूँ, पहले कौन थे अब कौन है। पहले भाग संख्या एक में पहले थे खलील अहमद, अब आशीष त्रिवेदी बन चुके हैं। दूसरे नंबर पर मोहम्मद कौशर के स्थान पर नीरज को बना दिया गया है। मोहम्मद सहरोज के स्थान पर शिवानी शर्मा को बना दिया गया है। मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी के स्थान पर शशांक को बना दिया गया है। आरजू के स्थान पर प्रियेश को बना दिया गया है। और साबिया फहीम के स्थान पर पूनम देवी, अहमद फराज के स्थान पर पूजा सेक्सरिया, मोहम्मद उस्मान के स्थान पर दीपक सिंह, और से गजाला के स्थान पर कविता श्रीवास्तव। और अगली लिस्ट आप देखिएगा, अगली लिस्ट में आपको बताता हूँ, सैयद काशिम अशरफ के स्थान पर मनीष द्विवेदी, मोहम्मद खालिद के स्थान पर क्षमा शुक्ला, मोहम्मद अजमल हुसैन के स्थान पर मधु सिंह, गुलाम अनवर के स्थान पर प्रभा सेंगर, जुबही जफर के स्थान पर प्रशांत कुमार, नगमा बेगम के स्थान पर गया प्रसाद, मोहम्मद आसिफ फारूकी स्थान के पूर्णिमा, उसके आधार पर सिराजुल हसन के स्थान पर धीरेंद्र कुमार, सना बानो के स्थान पर धीरेंद्र कुमार सॉरी योगिता, रफत अफरोज के स्थान पर कल्पना शुक्ला, दारा खसान बानो के स्थान पर सुनीता सोनकर, नसीमुद्दीन खान के स्थान पर शमिता कटियार, मोहम्मद जहीर अशरफ के स्थान पर रत्ना सोनकर, अशफा खातून के स्थान पर गौरव श्रीवास्तव, रुखसार अहमद के स्थान पर सविता गुप्ता, समी मुल्ला के स्थान पर अरुण दीक्षित, और उसके अलावा मैं सबका नाम पढ़ रहा हूँ आप देखिएगा, मोहम्मद जफ्फार अंसारी के स्थान पर उमा गुप्ता, फराह परवीन के स्थान पर देवेश सिंह, और राशिद अहमद अंसारी के स्थान पर ऋचा सोनकर, मोहम्मद साहिद खान के स्थान पर उर्वशी मिश्रा, और मोहम्मद याकूब के स्थान पर नीतू त्रिपाठी, सफीना मसूद के स्थान पर पूनम देवी, इकबाल फातिमा के स्थान पर अंजना कटियार, सईद अहमद के स्थान पर कस्तूरी कटियार, मोहम्मद वसीम के स्थान पर हेमा शर्मा, और मोहम्मद ईसा के स्थान पर गीता, सबाना बेगम खान के स्थान पर प्रियंका सोनकर, मोहम्मद सरफराज के स्थान पर राधा श्रीवास्तव, जाहिद खातून के स्थान पर कमलेश कुमार, रेशमा परवीन के स्थान पर राजेश कुमार, उमाना महताब के स्थान पर राम नरेश सिंह, सीमा खातून के स्थान पर नीरजा, उसके बाद इशरत साबा के स्थान पर पुष्पा साहू। ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें आप ये भी देखेंगे दोस्तों कि इसमें ज़्यादातर बैकवर्ड को नहीं रखा गया है,
सीधा सीधा समण को रखा गया है, 90% 80% समण ही है। जहाँ पर तिवारी आप देखेंगे, शुक्ला आप देखेंगे, गुप्ता आप देखेंगे, अवस्थी आप देखेंगे, तिवारी देखेंगे, और कहीं कहीं पर बैकवर्ड का इक्का दुक्का नाम आपको मिलेगा, यानी कि दीक्षित देखेंगे तो इन शर्मा देखेंगे, अधिकतर नाम समण से लिए गए हैं, बैकवर्ड को भी यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया है। तो आप जान सकते हैं क्या लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में होने वाला है, कैसे उपचुनाव होने वाला है, कैसे समाजवादी पार्टी जीतेगी, कैसे बीजेपी जीतेगी। पांच बार, पिछले पांच बार के रिकॉर्ड को खंगाले तो हाजी इरफान सोलंकी लगातार 3 बार जीते हैं, 2 बार कांग्रेस यहाँ पर जीती है, इसके पहले भी देखेंगे तो कांग्रेस सभा कांग्रेस सपा इन्हीं लोगों ने चुनाव जीता है, बीजेपी यहाँ एक आध बार चुनाव जीती है, बाकी चुनाव बीजेपी नहीं जीती है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।